क्या दोस्तों आपको मालूम है यहाँ पर ये नंबर्स का भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम यहाँ पर हमारे वीडियो में दिखाएंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जो नंबर है उससे यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ जो है वो आराम से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप घर में भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग गया था, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर आपको इसी तरीके से वीडियोज़ देखने हैं तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वाटरमेलन का जो छिलका है जो भी उसका अगर वो निकाल देंगे तो आपको किस तरीके से लगेगा हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहना। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इतनी क्लीन तरीके से हमने साफ इसको निकाला है, तो इसके लिए एक क्लिक ज़रूर बनता है। दूसरा, वीडियो देखने के बाद आप ये कहेंगे कि क्या गाजर का भी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पे जानना है तो वीडियो पे बने रहना। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक गाजर लेना है। गाजर लेने के बाद अगर आप इसको स्क्वेयर शेप का काट लेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से इस बंदे ने किया उस तरीके से अगर आप यहाँ पर गाजर के ऊपर एक पेंसिल से जो है मार्क कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर साइड से जो है यहाँ पर छील देना है। छीलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उसी तरीके से और जो है डब्बे जो है डाल लेना है जिस तरीके से आपका शेप होगा। अगर वो वहाँ पर रेक्टेंगल है तो वो डाल दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर जो है ट्राइंगल है तो आप ट्राइंगल डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सारा होने के बाद आपको जिस जिस भी शेप में आप जो है ट्राइंगल या तो आप जो भी डालें वहाँ पर आपको जो है काट कर निकाल लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काटने के पूरा निकाल लेना है आपको, चाहे वो रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो। उसके बाद आपके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर एक राउंड सर्किल का जो है गाजर मतलब आपको जो है वो मिल जाएगा, जिसको आपको थोड़ा बहुत जो है घस के शेप दे देना है। जैसे आप शेप दे देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से का बन सकता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये तो आपको स्टिकर के जैसा दिख रहा होगा जो कि आप नॉर्मली हाथ पे चिपका दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये टैटू है जो कि यहाँ पर इस बंदे ने इस तरीके से उतारा है। हाँ तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ अमेजिंग आर्ट के बारे में, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो बुक का एज होता है यहाँ पर आपको किया गया है, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर अमेजिंग डायग्राम को उतारा गया है, जो कि आपको यहाँ पर लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस बंदे ने जो है इतनी मतलब यहाँ पर ज़्यादातर आपको जगह नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ पर जो है डायग्राम करना वो बहुत ही अमेजिंग जो है एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जरूर आधा काम तो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर जो गोल्डन जो पेंट है यहाँ पर कलर किया गया है। अब आप यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अब आपको दिखेगा यहाँ पर जितना भी बंदे ने ऐड किया है यहाँ पर डायग्राम किया वो यहाँ पर अब आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इस बंदे ने यहाँ पर इतनी छोटी सी प्लेस के अंदर इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं टू साइड का अगर आप यहाँ पर इसको उठाएंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पर ऐसा कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप वो देखते होंगे यहाँ के हाथ पे जो है टैटूज लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये अमेजिंग नेक्स्ट लेवल का टैटू यहाँ पर इस बंदे ने किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर नॉर्मल स्टिकर के जैसा दिख रहा होगा, जहाँ पर अगर आप ऊपर से खींच के निकालेंगे तो आप जैसे कि स्टिकर्स निकलते हैं उसी तरीके से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ओरिजिनल टैटू जो है बनाया गया है इस नेक्स्ट लेवल टैटू के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऐसा आपने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली एक कोई भी इमेज है, इमेज के सामने जो है छोटा सा आपको जो है रेक्टेंगुलर शेप का आपको जो एक बंदा दिख रहा होगा, उसके अंदर जो आपको जो है उसके लिप्स और यहाँ पर जो इमेज है उसके लिप्स दोनों को मिक्स करके यहाँ पर एक अमेजिंग लुक दे रहा है, एकदम आपको यहाँ पर रियल लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बंदा जो है अपना जो आधा हिस्सा है इसको क्रॉप करके यहाँ पर ये जो है बनाया है, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर इसी तरीके से आपको जो भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम इसी तरीके से वीडियोस अपलोड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर पेंटिंग लग रही है, ये लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एक इंसान है जिसके ऊपर यहाँ पर पेंट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नेक्स्ट लेवल पेंटिंग के लिए यहाँ पर एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक विजिट नहीं हुए तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है क्रिएटिविटी की गई है यहाँ पर एक इंसान के ऊपर इस तरीके से डायग्राम करना, बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिविटी, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हाँ तो मेरे भाई, आपने यहाँ पर ऐसी ट्रेन जो है कभी देखी ही नहीं होगी जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बोतल है उसमें यहाँ पर ट्रेन को बनाया गया है, उसमें यहाँ पर ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर और एक क्रिएटिविटी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, इसके लिए एक लाइक ज़रूर। हाँ तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कोई भी जो पेंटिंग होती है वहाँ पर हम कलर करके कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अजीब पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको चाय फेंकने के बाद वहाँ पर जो है पेंटिंग कर रहा है ये बंदा, इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो कि आपको टीवी पे दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों उस एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से शूट करते हैं वो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर चाहे कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसको यहाँ पर किस तरीके से ये वीडियो को बनाया जाता है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है जो कि इस तरीके से बनाना, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाना, इस तरीके से एडवर्टाइज़ करना, इसके लिए यहाँ पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ जो है अभी डिटेली मैंने बना कर रखा है, वहाँ पर जाके भी वॉच आउट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर बहुत बार देखा ही होगा फैक्ट्स में कि आप जो है चॉकलेट से बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कुछ अमेजिंग आपको दिखाने वाले हैं कि चॉकलेट से क्या क्या बनाया जा सकता है। दोस्तों आप ये देखने के बाद परेशान ज़रूर हो जाएंगे कि चॉकलेट से भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं क्या। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एक बंदा बना रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको बता तो नहीं दूंगा कि ये क्या बना रहा है, अगर आपको जानना है तो वीडियो पर बने रहना। उससे पहले दोस्तों जब तक ये कंप्लीट कर ले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, अब जाके एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी बंदा जो है आर्ट कर रहा है वो टोटली यहाँ पर कंप्लीट होके आ गया है, और आपको यहाँ पर तो अंदाज़ा हो भी गया होगा कि ये बंदा क्या बना रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा ड्रैगन्स को, वो यहाँ पर एक चॉकलेट से बना रहा है, आप देख सकते हैं उसकी आँखी, हर एक एक चीज़ चॉकलेट की बनी हुई है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है।